How's your hand? hand? How is my hand? It will get better within the next, I think, 10 or 15 days. How's the English going? <laughs> आपने इंग्लिश में पूछा हमने भी इंग्लिश में जवाब दिया <laughs> आज के जो हमारे गेस्ट हैं अभी पीछे यहाँ पर बैक स्टेज पर को फाउंडर्स है एक कंपनी के जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करती है उनकी कंपनी का नाम है रैफ मोटर्स प्लीज गिव जेटिंग एंड वॉम वेलकम टू मिस्टर परिवेश एंड मिस्टर राकेश इससे पहले के ये सेशन शुरू हो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूं कि आज के सेशन में हम क्या क्या करने वाले हैं या एग्जैक्टली exactly होने वाला है आज के जो सेशन हो रहा है वो आपके बेनिफिट के लिए नहीं है मेरे बेनिफिट के लिए नहीं है वो ऑडियंस के बेनिफिट के लिए है ग्रेट तो वी विल थिंक आउट ऑफ द बॉक्स हो सकता है आपके जो आइडियाज हैं आपके जो नोशंस हैं उसको चैलेंज किया जाए हो सकता है मेरे आइडियाज को चैलेंज किया जाए ऑडियंस में कोई भी कुछ भी बोल सकता है कर सकता है आप क्या करते हैं कब आपने शुरू किया और अभी आप एक्जैक्टली exactly क्या कर रहे हैं पहले तो हम लोग ओ बेस पे काम करते थे मतलब कि दूसरे की फैक्ट्री होती थी और वो हमारा प्रोडक्ट बना करके हमें देता था एक डेढ़ साल दो साल ऐसा ही चला फिर उसके बाद वो कंपनी वाला उसने स्टॉप कर दिया लेकिन तब तक हम इतने समझदार हो गए थे कि हमें सारी चीज़ों के बारे में पता हो गया था हमने दूसरी फैक्ट्री खोली और ख़ुद से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया और आज की डेट में पूरे इंडिया में पांच यूनिट्स हैं अपनी ओई का मतलब सबको पता है क्या होता है कितने लोगों को पता है हाथ ऊपर करो किसी को भी नहीं पता कोई बात नहीं बताते हैं बताएं या नहीं बताएं, बताएं। आप बताएंगे मैं बताऊं यस सर आप बता दीजिए मैं बता देता हूं मतलब इनको लग रहा है शायद मुझे नहीं पता है

2019 में अपना मैन्युफैक्चरिंग करने के बारे में सोचा बट हाँ। वो सोचना अलग चीज है और एक प्लांट लगाना उसके लिए पैसा भी चाहिए वो सब कैसे हुआ मतलब इन्वेस्टर्स से आए एक्चुअली हम लोगों का टर्नओवर इतना बढ़ चुका था हमारे बिजनेस इतने बढ़ गए थे कि अभी ये कोई क्रेडिट पे काम नहीं होता है जिसने गाड़ी लेनी है डीलर को पहले वो पेमेंट करेगा उसके बाद ही हमें माल देना है तो पैसा तो ऑलरेडी रोटेट में अच्छा तो जो पैसा आपके पास में आया उसी से आपने अपना ही प्लांट लगाया और वहीं से आपने अपनी मैनुफैक्चरिंग शुरू yes. कर दी तो वो करने में कितना टाइम लगा प्लांट सेटअप होने में और वो पूरा उसमें तीन महीने में सर कर दिया उसके बाद से क्या रही आपकी ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने का किया इस साल भी अच्छा चल रहा है अपना पंद्रह सोलह करोड़ का टर्न इस साल में भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो ऑन द रोड आपके कितने वहीकल्स है? oh, yes, 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 हैं अभी ओ और वो दोनों मिलाकर राइट अब मेरे कुछ क्वेश्चन है आपसे क्योंकि ये जो आप इंडस्ट्री में हैं ये मुझे किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है कितनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है और इसमें जो डोमिनेंट प्लेयर्स हैं वो वेल well फंडेड है वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं तो मैं ये जानना चाहूँगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर प्रोडक्ट वर्सेस देयर प्रोडक्ट सबसे पहली चीज़ सर कि हम लोगों के प्रोडक्ट की कुछ यूएसपी है जो कि ना कि सिर्फ इंडिया वर्ल्ड में नहीं है जैसे कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा एक सिंगल चार्ज में चलने वाला गाड़ी वो हम हम लोग बनाते हैं मुझे नॉलेज नहीं है इस चीज की तो मैं एक बार समझना चाहूंगा बाकी के जो आपके कॉम्पिटिटर्स है उनका कितना चलता है अभी तक जो मैक्स रेंज है हमारे नीचे वो 250 किलोमीटर तक की मतलब नॉर्मली ढाई सौ तीन सौ तक चलता है yes, yes. आपका किलोमीटर चल जाता है yes. तो ऐसा आप कैसे कर पा रहे हैं रेंज मिलता है बैटरी से हुँ. अगर बैटरी ज्यादा बड़ी है हुँ. तो रेंज ज्यादा है हुँ. तो हमने ऐसा व्हीकल डिजाइन किया जहां पर बैटरी रखने की कैपेसिटी ज्यादा है हुँ. बट वो तो और भी कर सकते हैं आपके जो कॉम्पिटिटर है वो क्यों नहीं कर रहे हमारा वेट कर रहे हैं ना पहले कोई कर ले फिर हम उसको कॉपी करेंगे अच्छा

और मतलब ऐसे होता है ना हाँ, मतलब एक्चुअल में कितनी आती है 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 क्या होता है? जब इलेक्ट्रिक स्कूटर चलता है, तो उसकी पावर जो बैटरी से मिलती है राइट अब अगर उस पे दो लोग बैठ गए हाँ। तो रेंज कम हो जाएगी हाँ। अब आप पहाड़ पे ही गाड़ी चला रहे हो तो कम हो जाएगी ढलान पे चला रहे हो तो ज्यादा हो जाएगी तो एक एवरेज सेवेंटी के के वेट के साथ फ्लैट रोड पे चलाने पे आपको फोर एट्टी किलोमीटर की रेंज मिलेगी अब डबल हो जाओगे तो थोड़ा कम कर लो तीस किलोमीटर पहाड़ों पे चढ़ रहे तो और थर्टी किलोमीटर कम तब भी बुरा नहीं है क्योंकि yes, तब भी अगर देखा जाए तो चार सौ किलोमीटर है तो एक आपने बताया जो की डिफ्रेंसियन है आपके बीच में और आपके कॉम्पिटिटर्स के बीच में वो है रेंज विच इज अराउंड फोर एट्टी किलोमीटर और क्या डिफरेंस है आज की डेट में अगर आप पेट्रोल व्हीकल से इलेक्ट्रिक व्हीकल को कंपेयर करोगे तो खरीदना महंगा होता है पेट्रोल व्हीकल से रीजन क्या होता है किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो टोटल कॉस्ट होता है फोर्टी परसेंट कॉस्ट बैटरी का होता है बैटरी ज़्यादा महंगी होती है तो हमने इस बैटरी की कॉस्ट को इलेक्ट्रिक स्कूटर की कॉस्ट को कम करने के लिए प्रीपेड बैटरी बनाया जो कि ये भी इंडिया में नहीं वर्ल्ड में अभी तक किसी ने भी प्रीपेड बैटरी नहीं बनाई है ऐसा नहीं है कि प्रीपेड कोई नया वर्ड है प्रीपेड है प्रीपेड सिम होती है प्रीपेड के हम लोग घर पे डिस्टी यूज़ करते हैं तो प्रीपेड सिस्टम यूज़ करते हैं लेकिन बैटरी पे हमने उसी सिस्टम को डाला है जहां पे कस्टमर को बैटरी खरीदने की जरूरत नहीं होती है वो एक मंथली जो है अमाउंट पे करता है हमारे सिस्टम पे नौ सौ निन्यानवे का मंथली अमाउंट होता है जो उसे पे करना रहता है और एक महीने के लिए वो अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को अनलिमिटेड यूज कर सकता है मैं एक मिनट समझा नहीं आई थिंक आप लोग भी नहीं समझे होंगे क्या बोला एक बार प्लीज थोड़ा सा सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करिए कि आप क्या कह रहे हैं मतलब मैं समझ नहीं पा रहा जैसे कि एक स्कूटर की कीमत है वन लाख रुपीज़

गारंटी का मतलब होता तो एक लाख रुपए का स्कूटर है तो अभी आपको पचहत्तर right. वो आप फाइनेंस कराएं चाहे वो आप डाउन पेमेंट पे दे करके वो प्रोडक्ट ले लें और बाकी का नौ सौ निन्यानवे रुपए महीना हजार रुपए महीना आपको देना है यानी साल का बारह हजार रुपए देना है तो जो बैटरी की कॉस्ट हो गई वो अगले तीन साल में आपको देनी है तीन साल के अंदर अगर बैटरी खराब हुई तो उसकी वारंटी नहीं है गारंटी है इन द सेंस कि अगर बैटरी खराब हुई तो आप बैटरी चेंज करके दोनों खास है अच्छा है <laughs> <laughs> अच्छा अब सवाल उठता है कि ये दो डिफरेंस हैं आपके बीच में और आपके कॉम्पिटिटर्स के बीच में अब इस सेशन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएं यस सर बनाएं या नहीं बनाए यसो मान लेते हैं मैं आपके कॉम्पिटिशन में कंपनी खोल रहा हूं आपकी रैफ्ट मोटर्स है मेरी मान लो शेफ्ट मोटर्स है <laughs> अभी आपने दो चीज़ें कर रखी है एक है आपने डबल बैटरी लगाई है डबल बैटरी मैं भी लगा सकता हूं आपके प्रोडक्ट को मुझे ओपन करना है एक प्रोडक्ट लेना है उसको ओपन करना है और अपनी टीम को बोलना है जो भी मेरे इंजीनियर्स हैं कि भैया इसको रेंज को और बढ़ा दो दो बैटरीज की बजाय ढाई लगा दो तीन लगा दो या थोड़ी और बड़े साइज की लगा दो वट अगर आपकी चार किलोमीटर की है तो चार पॉसिबल है तो पांच भी पॉसिबल है साढ़े पांच सौ भी पॉसिबल है तो मैं अपना एक प्रोडक्ट निकाल देता हूं जिसकी रेंज आपकी रेंज से ज्यादा है और प्लस आपने बोला कि अभी आपको इंस्टॉलमेंट में पैसे देने यानी प्रीपेड बैटरी का कॉन्सेप्ट हो गया और मैं और एग्रेसिव हो जाता हूं मैं कहता हूं आपको देना ही नहीं है प्रीपेड बैटरी भी नहीं फ्री बैटरी क्या प्रोडक्ट के मेरे को पैसे दो यानी पचहत्तर और बैटरी फ्री पूरा तीन साल यूज करो तीन साल बाद आपको मुझे पैसा देना है तो अब क्या हो ऐसा क्यों कह रहे सर आप पैसे नहीं लोगे तो डेफिनेटली गवाना ही है ना नहीं इनिशियली गवाऊंगा ना मार्केट हाँ। कैप्चर करने के लिए जैसे जियो ने किया एक या शायद दो साल तक फ्री दिया उसके बाद में चार्ज करना शुरू किया तो शुरू में बिकॉज आई गॉट डीपर पॉकेट्स क्योंकि आप तो बिजनेस से कमा रहे हैं और बिजनेस में से बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं अभी तक तो आपने कोई प्रॉपर वीसी फंडिंग नहीं उठाई है राइट नहीं हाँ। तो यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ फंडिंग फंडिंग बट मान मान लेते लेते हैं मैं वीसी उठा लेता हूं। के लेते मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि वेंचर कैपिटलिस्ट हैं प्राइवेट इक्विटी फर्म्स के फाउंडर्स हैं मैं उनको सीधा बोलता हूँ दस मिलियन डॉलर मतलब मेरे पास में अस्सी करोड़ रुपए बर्न करने के लिए तो अगर मेरे को एक स्कूटर पे बीस तीस हजार कम भी कमाता हूं या अपनी पॉकेट से भी देता हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है मार्केट कैप्चर करने के लिए तो अब उसमें क्या डिफरेंस रहेगा चैलेंजिंग एस्पेक्ट है इसमें hmm. और uh, हमें जितना टाइम लगा पे लोगों का ट्रस्ट है इतने साल में पांच हजार वहीकल्स के बाद में जाकर के वो ट्रस्ट बना है लोगों का तो आज अगर मैं एकदम से लॉन्च करूंगा तो अगर मैं उसका नाम संदीप महेश्वरी रखता हूँ बट दैट इसमें कंपटीशन टाइम के साथ साथ आपके लिए बढ़ने वाला है वो आप भी अच्छे से समझ ही रहे हैं राइट क्योंकि ये इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि जब आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी इस बात को समझेंगे और वो भी आपके कॉम्पिटिशन में आपके जैसा ही आपसे बेटर प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे ये होना ही है तो उस वक्त क्या ऐसा होगा कि आप मार्केट में उसके बावजूद भी ग्रो कर पाएंगे दैट इज अ क्वेश्चन दैट वी ऑल नीड टू आस्क अभी इंडिया में इस वक्त कितनी कंपनीज हैं छोटी बड़ी सारी मिला करके जो कि इस तरह का कुछ मैन्यक्चर कर रही है लगभग लगभग कंपनीज हैं हैं रजिस्टर्ड बनाती है, बनाती कंपोनेंट्स है। बनाती है मोटर तो वो होंगी जो रजिस्टर्ड ऐसी करके छोड़ दी होंगी प्रॉपर ऐसी कंपनीज इसको मैं चलो और अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछता हूं ऐसी कितनी कंपनीज हैं जिसके के हजार से ऊपर प्रोडक्ट्स रोड के ऊपर है लाख भी हो सकते हैं दस लाख भी हो सकते हैं हजार भी हो सकते हैं फिफ्टी सिक्सटी पचास साठ ऐसी कंपनीज हैं 50. जो कि आपके कंपटीशन में काम कर रही है मार्केट yes, में इज नो डाउट अबाउट इट कि अभी तक आपने जो किया दैट इज कमेंडेबल वो काबिल तारीफ है क्योंकि इतनी कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री में जहां पर के इतने सारे प्लेयर्स हैं और बहुत सारे प्लेयर्स तो ऐसे हैं जो आपसे बहुत बड़े भी हैं इन टर्म्स ऑफ मनी फिर भी ऐसी मार्केट में आपने अपनी एक जगह बनाई और अभी इस लेवल तक आप पहुंचे तो बहुत बड़ी बात है इसके लिए दे डिजर्व अ बिग राउंड ऑफ अगर कुछ ऐसा हो जाए कि आपके महीने के अभी अगर सौ व्हीकल्स बिक रहे हैं तो सौ से हजार हो जाए दस हजार हो जाए वो कैसे होगा कैन वी डू अ सेशन ऑन अटोम तो एक बार को हम थोड़ी देर के लिए ये सोच लेते हैं कि ये आपकी अकेले की कंपनी नहीं है ये मेरी भी कंपनी है और यहां पर जो लोग बैठे उनकी भी कंपनी है तो हमें सबको मिलकर के दिमाग दौड़ाना है कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि अगले एक साल के अंदर अंदर आपकी जो सेल्स है वो टेन हो जाए या हंड्रेड हो जाए डू यू ट मी टू शेयर माई थॉट इसमें क्या किया जा सकता है कि अगर मैं आपकी जगह होगा तो मैं क्या करूंगा या मान लो मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्टर हूं अभी आप कह रहे हो कि वीसी मनी चाहिए मैं इन्वेस्ट करता हूँ एक पर्टिकुलर स्टेक के लिए अब मैं आ गया आपकी कंपनी में मैं इन्वेस्टर हूं मैं आपके साथ में हूं तो अब मैं क्या करूँगा वॉट विल आई डू जिससे कि जो ग्रोथ है वो वायरल हो जाए ग्रोथ दो तरीके की होती है एक होता है कि एक प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं वो प्रोडक्ट और भी लोग बेच रहे हैं देखने में प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम है बट फीचर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है तो जब तक वो फीचर्स में डिफरेंस रहता है तब तक वो प्रोडक्ट बिकता है जैसे ही जो और लोग हैं वो हमारे फीचर्स को कॉपी कर लेते हैं कॉम्पिटेटर्स तो हमारी सेल कम हो जाती है उनकी सेल बढ़ने लग जाती है या फिर सब एक लेवल पे आ जाती है तो मार्केट कॉम्पिटेटिव है प्राइस आप बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ा सकते क्योंकि जरूरत से ज्यादा आपने प्राइस बढ़ाया तो लोग नहीं खरीदेंगे आपको बड़ा रीजनेबल सोच समझ करके करना है तो मार्जिन भी लिमिटेड है मैं ठीक कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ तो ये चैलेंजेस हैं अभी हमारे तो अब अगर मैं आया आपके साथ में तो हम क्या करेंगे आई ट्राई टू क्रिएट समथिंग जिसको देख करके लोग जानना चाहें कि ये क्या है जिसको देख करके लोग बात करें जिसको लोग ओन करना चाहे इफ इट बिकम्स कूल टू ओन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इफ इट बिकम्स अ सेंस ऑफ प्राइड टू ओन दैट और जो भी उसको रोड पे देखे वो देख करके बोले कि हाँ दिस इज वॉट आई वॉन्ट दैट इज वॉट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट क्योंकि दैट अकॉर्डिंग टू मी इज मार्केटिंग मार्केटिंग दो तरीके की होती है एक होता है कि हमने एड निकाली न्यूज में यहां पर ऑनलाइन ऑफलाइन वट एवर निकाली लोगों ने देखा एकदम से स्पाइक आया सेल्स में फिर जैसी हमने निकालनी बंद करी वापस से डिप आ गया ज्यादातर यही होता है तो जो ज्यादा एड करेगा ज्यादा ब्रांड में पैसा लगाएगा ज्यादा मार्केटिंग में पैसा लगाएगा उसकी सेल ज्यादा बढ़ जाएगी बट ऐसा तो सब सोच रहे हैं मेरा वे ऑफ वर्किंग वे ऑफ थिंकिंग थोड़ा सा अलग है आई ऑलवेज थिंक अबाउट डूइंग समथिंग वे जो औरों से बिल्कुल अलग हो और कंप्लीट डिसरप्शन हो मार्केट में What if अगर हम एक ऐसा टू व्हीलर बनाए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जिसमें सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो यानी कि अंदर आपकी जो बैटरीज आपने दोनों लगाई वो दिख रही हो जैसे एक ओपन किचन का कॉन्सेप्ट होता है कि एक रेस्टोरेंट में हम जाते हैं किचन ओपन दिख रही होती है तो क्या हो अगर सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो यानी कि उसके अंदर सब कुछ दिख रहा हो और उसके अंदर कुछ ऐसी लाइटिंग हो जो थोड़ा उसको साइफाई लुक दे दे और उसका ब्रांड नेम भी हम कुछ ऐसा रखें जो अपने आप में स्टैंड आउट करे और उस ट्रांसपेरेंट के अंदर से वो ब्रांड नेम दिख रहा हो अभी जो मेरे माइंड में आ रहा है नाम क्योंकि नाम क्योंकि हैज टू बी शॉर्ट क्रिस्प मे बी समथिंग लाइक ओपन और बोल्ड अगर हम इसको विजुअलाइज करें तो रोड पे अगर वो चल रहा है आपका जो टू व्हीलर है उसमें ट्रांसपेरेंट सब कुछ दिख रहा है और अंदर कुछ एलईडी लाइट्स वगैरह दिख रही है इवनिंग में रात को ये बड़ी कमाल का लगेगा स्कूटर देखने में और क्योंकि इसको हर कोई नहीं चलाएगा शुरू में जो अर्ली बहुत ही कम होंगे तो अगर वो औरों के जैसा है तो लोग ज्यादा खरीदेंगे खरी तो कॉम्पिटिशन भी ज्यादा है. Yes, है वो हर कोई खरीद लेगा बट ऐसा स्कूटर कौन खरीदेगा आप में से जिसके अंदर उसकी बैटरी बैटरीज, सब कुछ दिख रहा हो लेकिन बहुत ही कूल लग रहा हो और कुछ इंटरेस्टिंग सी लाइट्स वाइट लग रही हो यानी ट्रांसपेरेंट बॉडी पूरी की पूरी उसकी तो कितने होंगे आप में से जो ऐसा कुछ खरीदना चाहेंगे अराउंड टेन परसेंट लेकिन एक बात पक्की है कि ये जो दस परसेंट लोग हैं ये जब उसको लेंगे तो उसको देख करके बाकी के लोग आएंगे सेकेंड लेग में होता क्या है अर्ली अडोप्टर्स में वो आते हैं वो लोग जो बहुत ही एडवेंचरस होते हैं वो कम होते हैं फिर धीरे धीरे और आते हैं फिर और आते हैं फिर और आते हैं फिर वो फैशन बन जाता है फिर वो सबके लिए एक आम बात हो जाती है भी दो, तीन साल बाद वो एक आम बात हो जाएगी लेकिन वो एक सिंपल बन जाएगा आपकी कंपनी का उसको अगर कोई और कॉपी करेगा तो वो कहेंगे देखो कॉपी कर रहा है तो इसमें क्या चैलेंज आएगा अगर इसको हम ट्रांसपेरेंट करें तो चेसिस में ही बैठा देना कस्टमर को सब आ? दिखता रहेगा सिर्फ चेसिस बनाया सीट बनाया बैठा दे सब कुछ दिखता रहेगा वो

अगर हम वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं तो वी आर इन कॉमोडिटी स्पेस हम तो एक कॉमोडिटी बेच रहे हैं और कॉमोडिटी में फीचर्स होते हैं जिसको रेप्लीकेट किया जा सकता है दैट इज इज डिफरेंट फ्रॉम अ ब्रांड जैसे आईफोन कॉम्पिटिशन है बट आई फोन के लिए कोई कॉम्पिटिशन नहीं है क्योंकि आईफोन की अपने आप में मार्केट ही अलग है तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कि क्या हम ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर लाइक कॉमोडिटीज हर कोई बना रहा है

अभी लोग अपने पर्स अपना सामान भी रखेंगे तो वो भी दिखता रहेगा कि इसने क्या रखा है तो उसके अंदर हम एक ऐसा चैम्बर बना सकते हैं जो ना दिखे <acceptance> <रहे>? ये तो हो सकता है ना <chu> <rough> हाँ तो कि दिखता रहेगा तो रहे मतलब ये नहीं सब कुछ ही दिखता रहेगा दिस इज जस्ट एन आइडिया कि हम क्या अलग कर सकते हैं और अगर इसको हमको मार्केट करना हुआ तो हम कैसे करेंगे आई एम जस्ट थिंकिंग लाउड राइट नाउ मान लेते हैं नॉर्थ कैंपस है <anal town> एक कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है और हर कॉलेज में हम एक कॉन्टेस्ट करी में बोल्ड होंगे यानी उनको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो औरों से कुछ अलग हो और कॉलेजेस में ऐसे कॉन्टेस्ट वॉन्टेस्ट बहुत होते हैं तो जिसको मिला वो माउथ स्प्रेड हो गया बिकॉज यू नो वॉट एक है कि हम कन्वेंशनल

थिंक अबाउट आइडियाज कि ये हमारी कंपनी है इज इट ओके इफ यू डू दस तो यू कैन जनरेट आइडियाज गिव अगर आपको हमारी जो कंपनी है उसकी सेल्स को सौ गुना बढ़ाना है अगले एक दो साल के अंदर अंदर तो वो कैसे होगा अभी क्लियर हुआ जो मैंने बोला वहां से सौ गुना कैसे बढ़ेगी yes, yes, sir. कैसे बढ़ेगी क्लियर हुआ क्योंकि yes, yes. जो उस पर बैठेगा दे विल हैवे सेंस ऑफ प्राइड और जो उसको देखेगा वो उसके बारे में बात करेगा चाहे अच्छा बोलेगा चाहे बुरा बोलेगा मार्केटिंग में देखना ध्यान से सुनना मेरी बात को आराम से ठंडे दिमाग से सुनना समझना मार्केटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है वी के के कस्टमर अच्छा बोले हमारे मार्केटिंग कैंपेन बारे में दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग इस वजह से हम बहुत ही सेफ एक मार्केटिंग कैंपेन बनाते हैं जो बहुत ही बोरिंग होता है एड्स भी बोरिंग होती है वही तीन चार स्कूटर खड़े हैं या तीन चार प्रोडक्ट्स खड़े हैं और वही वहां पे लिखा हुआ है कुछ और वही सब एड में हो रहा है और सबकी एड एक जैसी है क्यों क्योंकि हम चाहते हैं कि एड ऐसी हो जिसको देख करके लोग अच्छा बोले तो वो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है मीडियोक्रिटी हो जाती है दैट बिकम्स लाइक अ ब्लाइंड स्पॉट एक दो एड ऐसी आती है अखबार में बंदा स्किप ही कर देता है सोचो आप एड ऐसी स्किप करते हो या नहीं करते हो yes, ऐसे प्रोडक्ट्स yes. जब दिखते हैं रोड पे तो क्या आप स्किप करते हो या नहीं करते yes, yes, हो यानी कोई ऐसा स्कूटर या ऐसी गाड़ी जो सबके जैसी है तो क्या आप उसको देखोगे या आप अपने थॉट्स में उलझे रह जाओगे और द मोमेंट यू सी समथिंग विच इज डिफरेंट तो एकदम से आपका ध्यान जाएगा जैसे सड़क के साइड में अगर आपको काला कुत्ता दिखता है सफेद कुत्ता दिखता है तो आपका ध्यान नहीं जाएगा बट मान लो गोल्डन कुत्ता दिखता है वाई नॉट गोल्डन कुत्ता प्योर गोल्ड मतलब चमक रहा है चौबीस <laughs> कैरेट गोल्ड और उस पर लिखा भी हुआ है ट्वेंटी फोर कैरेट गोल्ड डॉग तो आप उसको देखोगे या नहीं देखोगे yeah, yeah. उसके साथ में जाकर के फोटो खिंचाओगे नहीं खिंचे <laughs> चाहे वो कुत्ता काटे काटे चाहे नहीं आप खिंचाओगे आप उस कुत्ते के बारे में बात करोगे दिस इज कॉल्ड वायरल मार्केटिंग कुत्ते से मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगा <laughs> <laughs> आज हम लोग आ रहे थे तो मुझे लाइन से पांच छह कुत्ते गाड़ियों के ऊपर बैठे हुए थे फोर व्हीलर के <laughs> मैं कहा, आज के कुत्ते भी स्मार्ट हो गए नीचे आकर के कई बार दब चुके रहेंगे अब स्मार्ट हो गए गाड़ी के ऊपर बैठ जाते हैं बट उन्हें नहीं पता है कि अब इलेक्ट्रिक गाड़िया <laughs> में क्या होता है कि, है ना नीचे है। <laughs> फ्यूचर में मतलब अभी जब कुत्ते थोड़ा और समझ जाते हैं तो दो चार कुत्ते गिरेगे गाड़ियों से क्योंकि डीजल में और पेट्रोल में पता लग जाता है कि गाड़ी स्टार्ट हुई है तो कुत्ता फटाफट से निकल सकता है तो एनी हाउ हम कहीं और चले गए टिंग वेर एम कमिंग फ्रॉम तो माय आइडिया ऑफ क्रिएटिंग प्रोडक्ट और सर्विस इज समथिंग जो कुछ ऐसा हो जिसके बारे में लोग बात करना चाहे चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव जैसे आपने बोला कि भाई अगर उसमें हम कुछ भी ना लगाएं और सिर्फ वही लगा दें तो कैसा रहे डेफिनेटली लोग बोलेंगे जैसे आपने बोला बिल्कुल वैसे ही लोग बोलेंगे कि अरे इसकी भी क्या जरूरत थी बॉडी की सीधा उसी पर बैटरी पर बैठ जाता है <laughs> बोला तो सही <laughs> कोई ऐसा प्रोडक्ट तो है जिसके बारे में कुछ पॉजिटिव बोला या नेगेटिव बोला दैट इज मार्केटिंग द मोमेंट यू टॉक अबाउट समथिंग अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विस एक होता है जिसको आप इग्नोर करते हो क्योंकि तो आप देखते हो और कहते हो हाँ मुझे पता है ये क्या है। बट द मोमेंट यू सी समथिंग जो आपको नहीं पता है कि क्या है तो आप उसके बारे में या तो पॉजिटिव बोलते हो

तो उसी तरीके से अगर हम अपने वहीकिल में कुछ ऐसा लाएँ कि जब हम उसको सेल करें उस टाइम पर कुछ ऐसे कवर्स दें जो हम डेली बेसिस पर यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेज में मतलब आज मैं कहीं जा रही हूँ तो मैंने कुछ लगा लिया एंड देन कहीं और मैं जाना चाहती हूँ माइंड लो मैं कहीं घूमने जाना चाहती हूँ लाइक like शिमला या देहरादून तो मैं कुछ और लगा के जा रही हूँ तो शायद कुछ डिफरेंट हो जाएगा ऐसा कुछ मार्केट में नहीं है तो बड़ा कमाल का होगा इट्स लाइक डिफरेंट स्किन उसको आप कवर कह सकते हो स्किन्स भी कह सकते हो yes, कि आपको एक तरीके से उस प्रोडक्ट के साथ में तीन स्किन्स और मिल जाए यस डिपेंडिंग अपॉन मूड Sir, जब upon हम कि आप कहा जा रहे हो क्या है उसके yes, अकॉर्डिंग like right. yeah. yeah. ऐसा ah. भी बोल सकते हैं और खरीदने है, तो आप वो भी हमसे हम ही खरीद सकते हैं डिफरेंट राइट इट्स इट कैन बी डिफरेंट आइडिया कैसा लग रहा है सर आपको सुनने में बिल्कुल अच्छा है सर कर सकते हैं ग्लोइंग स्किन हो सकती है वो दिन में चार्ज हो जाएगी ग्लो से मतलब सनलाइट से और रात को फिर वो ग्लो करेगी चार्ज करने की जरूरत ही नहीं आई थी क्यूँकी उसका ियल ऐसा होगा वो जो नियन होता है और वो सब होता है वो रात को अंधेरे में ग्लो करेगी हाँ। ग्लोइंग स्किन वेरी इंटरेस्टिंग सर कैसा लगा ये आइडिया कैसा लगा बहुत बढ़िया <laughs> 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 सर आप सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं बोल रहे हैं मैं आपके से समझ नहीं बात रहा। है आप उसके बारे में सोच रहे हो जो अब तक हुआ नहीं है उसके बारे में सोच रहे हो सबसे अच्छी बात है नॉर्मली जो हम देखते हैं उसके बारे में सोचते हैं थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग जो अभी तक नहीं हुआ है तभी हम कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है दैट इज कॉल्ड रियल क्रिएशन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू सो मच सर यहां पर आने के लिए थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच जी